हाय गाइस, आज आपको मैं इस वीडियो में परफेक्ट इडली और उडुपी स्टाइल सांभर कैसे बनता है वो बताने वाली हूँ। अभी ही मैंने रिसेंटली इडली बनाई थी जो कि माउथ वाटरिंग थी, बहुत ही टेस्टी इडली बनी थी। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये इडली कितनी ईजिली बाहर आ रही है, बिल्कुल भी चिपकी नहीं थी मेरी इडली और इतनी सॉफ्ट और फ्लफी बन के रेडी हुई थी, जबकि मैंने कुछ भी सोडा वगैरह यूज़ नहीं किया था। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इडली बनाने के लिए मैंने ये इस बार बिग बास्केट से इडली राइस मंगाए हैं। उड़द दाल तो मेरे पास पहले से ही थी और मेथी दाना, ये बेसिकली ऑब्वियसली मैं एक दिन पहले प्रिपरेशन कर रही हूँ। और 3 glasses ऑफ राइस और 1 glass ऑफ उड़द दाल लूँगी और उसके बाद वॉश करके उसको सोक करने के लिए रखूँगी। तो मैं 1 glass इडली राइस डाल चुकी हूँ, ये हो गए 2 glass। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा नहीं पकड़ सकती और साथ साथ ये काम नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। और ये रहे 3 glass। तो ये है मेरे राइस की क्वांटिटी और ये है उड़द दाल की क्वांटिटी। यहाँ पे मैं उड़द दाल को सिर्फ एक ही बार वॉश करूँगी, ऐसा मैंने सुना है कि इसको एक ही बार वॉश करना चाहिए और चावल को अच्छे से वॉश करना चाहिए उसको स्टार्च निकालने के लिए। इवन ग्राइंडिंग के लिए भी हम इसी का पानी, जो सोक्ड वाटर होगा, उसको यूज़ करेंगे। तो इसको अच्छे से एक बार ही मैं धोऊँगी, बट अच्छे से मलमल के धो लेती हूँ। ये देखिए सारा डर्ट जो है ये फ्रॉथ के उसमें ऊपर आ गया। राइस यहाँ पे मैंने ज़्यादा थे इसलिए केयरफुली वॉश करके सोक कर दिए और यहाँ पे मैंने उड़द दाल आपके सामने करी हुई थी। अब इस उड़द दाल में मैं 1 teaspoon मेथी दाना डाल रही हूँ। अभी 2:15 हुए हैं, 2:15 हैं दोपहर के, और इसको मैं 7-8 hours सोक करने के लिए रखूँगी और रात को इसको ग्राइंड करके फर्मेंट करने के लिए रख दूँगी। ये मैंने 2 जगह ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि फर्मेंट होने के लिए जगह नहीं होती है, तो कई बार मेरा ऊपर से गिर जाता है और ये ओवरनाइट फर्मेंट बहुत ही अच्छा होता है। दिस इज़ द कंसिस्टेंसी। विंटर्स है इसलिए मैं इसको शॉल में रख रही हूँ ताकि फर्मेंट हो जाए। अगर 1 bowl होता है तो मैं बंद माइक्रोवेव में रख देती हूँ, बट 2 bowl है तो इसलिए शॉल में रख रही हूँ ताकि ये वार्म रहे और फर्मेंट होने में ईजी रहे। मॉर्निंग तक ये फर्मेंट नहीं हुआ था, अभी दोपहर में 2:15 हो रहे हैं और ये देखिए कितने अच्छे से फर्मेंट हो गए हैं। इसमें अब मैं सॉल्ट डाल के इडली बनने के लिए रखती हूँ और दिखाती हूँ कि इडली कितनी फ्लफी और अच्छी बनेगी। ये 2 teaspoon मैंने सॉल्ट डाला है। ये रही इडली प्लेट्स, और इडली प्लेट्स में मैं बटर की कोटिंग करूँगी और फिर इसमें इडली का बैटर डालूँगी। जो इडली का कुकर है आप उसमें इस तरीके के लेमन स्लाइसेस या स्क्वीज लेमन को डाल सकते हो, इससे क्या होगा कि जो इसका बॉटम है वो जलेगा नहीं। और इडली को प्लेट करने का भी एक तरीका होता है, जैसे ये जो छेद दिए हुए होते हैं उसके नीचे एग्जैक्टली आपका दूसरा इडली का बैटर इडली आनी चाहिए बेसिकली, नहीं तो वो फ्लफी होके वो फिर ऊपर चिपकने का डर होता है। मेरे फर्स्ट सेट में ऐसे ही होता क्योंकि उसकी प्लेटिंग ठीक नहीं करी थी। और ये जो ऊपर की इडलीज हैं उनको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फिल किया है, बट जो नीचे की इडलीज हैं उनको मैंने आप देख सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा ही भरा है क्योंकि वो फ्लफी होके फिर ऊपर स्टिक हो जाती हैं। तो मेरा सेकेंड लॉट बहुत ही अच्छा बना था। और ये 15 मिनट्स के बाद चेक करेंगे, वैसे 20 मिनट्स लगते हैं इसको बनने में। इन द मीन वेल मैं चटनी बना लेती हूँ कोकोनट की, उसके लिए मैं ये कोकोनट ले रही हूँ और थोड़े से कोकोनट छोड़ दूँगी इसी में सांभर के लिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिलीज, और अगर आपके पास चना है तो आप चना डाल दीजिए। ये मैं डाल रही हूँ लेमन, अगर लेमन नहीं है तो आप इमली का पानी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ग्राइंडिंग के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये अब मैं ग्राइंड कर रही हूँ। कोकोनट चटनी की टेम्परिंग बना लेते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 teaspoon ऑलिव ऑयल लिया है और इसमें मैं राई डाल रही हूँ, सरसों। जब ये अच्छे से क्रैकल हो जाए तो कड़ी पत्ता डाल दें इसमें। ये रेड चिलीज डाल रही हूँ और साथ ही में 1 pinch हींग। ये नहीं मेरी कोकोनट चटनी जिसमें मैं ये टेम्परिंग। ये मेरी कोकोनट चटनी रेडी हो गई है, मेरी यहाँ पे इडली भी बन रही है जो कि आप देखिए कितना इजीली बाहर आ रही है और एकदम परफेक्ट इडली बनी है, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें कोई भी सोडा नहीं डाला था,
और मैंने कुछ भी नहीं डाला था तो भी मेरी देखिए इडली कितनी सॉफ्ट और कितनी फ्लफी बनी है, एकदम परफेक्ट। फर्मेंटेशन के बाद जो हमें हल्की सी खटास चाहिए होती है वो भी इसमें एकदम परफेक्ट है। अब मैं सांभर की तैयारी कर रही हूँ, मैं सांभर मसाला नहीं यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए अपना ही सांभर मसाला बना रही हूँ। और ये रेसिपी मैं कुकिंग शुकिंग जो चैनल है उनकी फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई चीज़ें ले ली हैं, जैसे कि धनिया लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, एक बड़ा चम्मच धनिया लिया है, और 1 टीस्पून मैंने मेथी दाना लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, 1 टेबलस्पून ही मैंने चावल लिए हैं, और 1 टेबलस्पून ही मैंने चने की दाल ली है। ये सब चीज़ें मैंने ली हैं ड्राई। और यहाँ पे मैंने 5 या 6 रेड चिली ली है ताकि ज़्यादा ना हो जाए। और यहाँ पर मैंने कम से कम 10 से 12 गार्लिक लिए हैं और जिंजर लिए हैं और मैंने कोकोनट लिए हैं। और ये मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ और ये डाल रही हूँ 1 टीस्पून। होने की खुशबू आने लग गई है, अभी मैं ये सारी ड्राई चीज़ें इसमें डाल दूँगी। मेथी दाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है और ये मैं भून रही हूँ। जब इसमें से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, मतलब ये क्रैकल होना शुरू हो जाएंगे मसाले, तब इसमें मैं जिंजर और लहसुन वो सब चीज़ डालूँगी। अब मैं ये सब डाल रही हूँ, कोकोनट और जिंजर वगैरह, इसको भून लेंगे अच्छे से और थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसमें पानी होता है तो थोड़ा सा उछल सकता है। अभी 1.5 मिनट हो चुका है ये सब भूनते हुए। अब मैं इसमें ड्राई चिलीज डाल रही हूँ और लहसुन की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से भूनने की, और मेथी दाने की भी। ये सब मिलके सांभर को जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो देते हैं। अब मैं डालूंगी बाकी के मसाले, और जिसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून ही थोड़ी सी लाल मिर्च ये वाली कलर के लिए, और नमक, नमक डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून के आसपास। और मसाले 1 मिनट तक भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। अभी प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे और फिर उसके बाद इस पूरे मसाले को ठंडा होने के बाद ग्राइंड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरा ये मसाला ठंडा हो चुका है और इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ये ईजिली ग्राइंड हो जाए। और इसका हमें बहुत ही स्मूथ, एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है, तभी जो है जितने भी हमने जो ये मसाले डाले हैं या चावल डाला है या जितने भी हमने दाल वगैरह डाले उसका टेस्ट तभी आएगा सांभर में। यहाँ पे बड़े कुकर में मैंने घी लिया है और अभी इसमें मैं 1 चम्मच राई डाल रही हूँ। इसके बाद भी ये अनियन शैलेट्स थे, मतलब जो छोटे वाले होते हैं, 1/4 मूली मैंने छोटे छोटे पीसेस में करी है वो डाल रही हूँ, 1/8 पार्ट लौकी उसको छोटे छोटे पीसेस में काटा है वो, और ऐसे ही 3-4 पेठे के बड़े पीस, ड्रम स्टिक्स, 1 आलू और 1 छोटी गाजर है जिन्हें मैंने लंबा लंबा काटा है उसे डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने भिंडी फ्राई करी है वो डाल रही हूँ। 2 मिनट वेजेस को भूनने के बबाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच नमक, और ये मैंने चेरी टमाटर लिए हैं उनको 1/2 किए हैं वो डाले हैं मैंने। ये 5 मिनट्स हो गए वेजेस को सॉटे होते हुए। अभी ये जो मैंने पेस्ट बनाया था, सांभर मसाला बनाया था, उसका पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ और फिर इसको सॉटे करूँगी। ये पूरा पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है और अभी इसको हम भुनने देंगे। इस मसाले ने भी तेल छोड़ना शुरू कर दिया जैसे आप देख रहे हैं, तो अब इसमें मैं ये तुहर दाल ऐड कर रही हूँ। मैंने पानी भी ऐड कर दिया है, पानी मैंने जितनी दाल थी भीगी हुई दाल, उस भीगी हुई दाल के 4 टाइम्स पानी लिया है, 3 to 4 टाइम्स पानी लेना है, और अगर सूखी कटोरी के हिसाब से आप नाप ले रहे दाल के तो 7 to 8 टाइम्स ज़्यादा पानी होना चाहिए। अभी मैं इसका कुकर का ढक्कन लगा के 5 विसल हाई फ्लेम पे दूंगी और फिर 15 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे होने दूंगी। यहाँ पे मैं रेड चटनी बना रही हूँ जो इडली सांभर के साथ खाते हैं, और उसके लिए मैंने 1 टीस्पून चना दाल, 1 टीस्पून ब्लैक उड़द दाल, और 4 to 5 रेड चिलीज और कड़ी पत्ता लिया है, ये सब डाल। और यहाँ पे मैं इसमें अनियन डाल रही हूँ, अनियन बेसिकली टमाटो से 1/2 लेते हैं, तो पहले मैं अनियन डाल रही हूँ और ये 5 to 6 क्लोव्स गार्लिक क्लोव्स। मैं ऐसे घी डाल के इसमें थोड़े से पीनट्स डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट भी डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें टमाटोज ऐड कर रही हूँ, भी ऑलमोस्ट रेडी है जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑयल छोड़ गया है। अभी मैं इसको ठंडा करने के लिए रखूंगी और फिर इसको ग्राइंड करूंगी। दिस इज द स्टेटस ऑफ माय सांभर, और सांभर में मिर्ची एकदम ठीक है,
और खट्टा नहीं है, तो खट्टे के लिए मैं ये टैमरिंड चटनी है ये डालूंगी 2 टेबल स्पून, और फिर टेस्ट करूंगी अगर खट्टा और ज़रूरी होगा तो मैं डाल दूंगी। आप घर पे भी टैमरिंड मतलब जो इमली है उसको भिगो कर डाल सकते हैं। टैमरिंड चटनी डाल रही हूँ और 2 टेबल स्पून मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, और ये थोड़ा सा और डाल दूँ। ये एक्चुअली में क्वांटिटी में सांभर ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा सामान ज़्यादा लग रहा है। आप अकॉर्डिंगली जैसे आपको बनाना है आप अपने लिए बना लीजिएगा। ये मैं 8 to 10 पीपल के हिसाब से बना रही हूँ सांभर, और थोड़ा सा मैं इसमें ये गुड़ ज़रूर डालूँगी, ये साउथ इंडिया में ज़रूर डलता है खट्टा मीठा स्वाद देने के लिए सांभर में। और यहाँ पे मैं सांभर का तड़का रेडी कर रही हूँ जिसमें मैंने 2 चम्मच बड़े घी के डाले हैं। वापस मैं इसमें राई डाल रही थोड़ी सी, और इसमें मैं हींग डाल रही हूँ, रेड चिलीज डाल रही हूँ, और गैस बंद करके एक बार रेड चिलीज को मैं पलट लूँगी ताकि जले ना। अभी मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, और कड़ी पत्ते के बाद ये मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ जो 1 बड़ा टेबल स्पून है, क्योंकि हमारे सांभर में कलर नहीं था। तड़का जो है जाएगा सांभर में। यहाँ पे हमारा सांभर रेडी है और एक बहुत ही टेस्टी सांभर बना है। पहले ऐसे थोड़ी ना करते हैं, खा के लिए बीच में यार, मैं कर लूंगी, छोड़ दो। ये परफेक्ट नहीं निकलेगी तुमसे बता रहा हूं। पहले ना साइड में से सब जगह से वो कर लेते फिर उठाते हैं। नहीं इसको जितना तो करोगी ना। नहीं बाबा सॉरी सॉरी। इसका बस एक एंगल है उससे उठाना है बस। पहले ठंडा होने दो, चाकू से करोगी ना तो ज्यादा। हाँ वैसे ठंडा होने में सही जाएगा। ये तुम क्यों मेरी इडली बर्बाद कर रहे हो, मैं मारूंगी तुम्हें। सी परफेक्ट इडली तुमने बनाई है ना। ओहो।